नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्त, मैं आपकी जिज्ञासा को समझ सकता हूँ कि एज ए स्टूडेंट जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और ये नए नए होते हैं किसी भी फील्ड में, तो मन में ये डाउट आते रहता है कि किनका वीडियो देखे, क्या मैं जिनका वीडियो देख रहा हूँ सब उन्हीं का वीडियो देख रहे हैं या नहीं, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। मन में मतलब पढ़ाई के दौरान ऐसे उथल पुथल मचे रहते हैं कि हम जिनसे पढ़ रहे हैं क्या उनसे पढ़ के थर्टी आओ तो थर्टी आएगा या किन्हीं और से पढ़ के आएगा, और भी स्टूडेंट किनसे पढ़ रहे हैं, ये सारे डाउट मन में रहता है। क्योंकि आप इस फील्ड में नए होते हैं तो आपको डाउट होना लाजमी है, और आप कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को देखिए, आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी टीचर को बड़ा छोटा दिखाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि सभी टीचर अपने जगह पे यूनिक होते हैं, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। तो मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में आलोचना करूं और किसी को बड़ा दिखाऊं। ये वीडियो एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा, जो मैंने अपने स्टडी के दौरान देखा है और जो मेरा CDP का नॉलेज है उसके बेस पे, और जो इस वीडियो में दिया गया कंटेंट उसको रिव्यू करने के बाद आपको इस चीज को समझने में हेल्प करेगी कि आप किन से पढ़े। देखिए, सभी टीचर अपने तरफ से 100% देते हैं और बेस्ट देते हैं, तो बस इसमें आपको ये देखना है कि आपको किन से समझ में अच्छा आएगा, आपको किन का वीडियो देखना चाहिए। तो ये वीडियो इस चीज को क्लियर करेगा कि किन के वीडियो में क्या चीजें हैं और आपके लिए क्या चीजें जरूरी की है, आप वहां से देखकर इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं दो मैराथन का बात करूंगा। देखिए, एक हिमांशी मैम का वीडियो है जो लेट्स लर्न चैनल का है, और एक सचिन एकेडमी का वीडियो है जो सचिन सर का है। दोनों वीडियो का जो ये रिव्यू है वो लेटेस्ट वीडियो है। सबसे पहली बात आपके मन में ये आएगा कि क्या सर लेटेस्ट वीडियो नहीं आएगी, ये दो मन पहले वाला वीडियो देखना होगा। देखिए, अभी आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी आपको ये पहले वाला ही वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अभी आप इसको देख के नोट भी आराम से प्रिपेयर कर सकते हो और कंटेंट सेम ही रहता है। नोट भी प्रिपेयर कर लोगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो PYQ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, CDP का आपको नॉलेज होगा। लेटेस्ट इन लोगों का मैराथन फिर आएगा, वो तब आएगा जब आपका एग्जाम काफी नजदीक होगा, तो वहां पे आप उसको देखोगे तो वो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो देखिए, हिमांशी मैम का जो आपका CDP का वीडियो है वो 6 घंटे 24 मिनट के आसपास का है, और सचिन सर का जो CDP का मैराथन का वीडियो है जिस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका 9 घंटे 48 मिनट यानी कि 10 घंटे के आसपास का हुआ। तो इनका 6.5 घंटे का है, इनका 10 घंटे का वीडियो है। पहली बात, मैंने वीडियो का लेंथ के बारे में आपको बता दिया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये वीडियो का लेंथ इनका ज्यादा इनका कम है, तो क्या इनमें ज्यादा कंटेंट होगा सिलेबस का, या इन्होंने सिलेबस कम करवाया है? तो सिलेबस दोनों वीडियो में कंप्लीट करवाया गया है, तो सिलेबस में जो टॉपिक है वो दोनों वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। लेकिन हिमांशी मैम के वीडियो में सिर्फ थ्योरी करवाया गया है, ये मैराथन वाला जो वीडियो है, और ये सचिन सर के वीडियो में थ्योरी के साथ आपको एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी करवाते गए हैं, बस दोनों में ये डिफरेंस है। देखिए, आप लोग ये जो वीडियो है ये इसी मैराथन के बेस पे बनाया जा रहा है, तो आप पहले का कोई मैराथन लेकर मत आ जाइए कि सर इसमें तो ये क्वेश्चन करवाए नहीं है फिर इन्होंने इसमें क्वेश्चन करवाए, उसके बेस पे नहीं है। लेटेस्ट मैराथन जो है उसके बेस पे है, तो इस चीज को आप समझिएगा। तो आपको यहाँ पे हर टॉपिक के बाद, सचिन सर वाले मैराथन में हर टॉपिक के बाद आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, तो वहां पे आप उस एग्जाम्पल से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझ सकते हैं। हिमांशी मैम ने क्या किया, पहले आपको सारा थ्योरी कंप्लीट करवाया है, तो अगर आप हिमांशी मैम से वीडियो देखेंगे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उनके ही चैनल पे वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो लाती हैं, तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला चीज ये था। अच्छा, अब आपको मन में ये प्रश्न आएगा कि दोनों टीचर के वीडियो जो है, वीडियो लेक्चर में क्या क्या आपको मिलेगा, वीडियो कंटेंट में क्या है। तो देखिए, दोनों का जो PPT है जिसपे वो पढ़ा रहे हैं, दोनों के PPT बाइलिंगुअल है, पहली बात, तो दोनों में हिंदी इंग्लिश और आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा PPT में, ठीक। अच्छा, आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर स्टूडेंट बेस आप देखोगे तो हिमांशी मैम के साथ इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होते हैं थोड़ा ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, और सचिन सर के साथ हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चों को रिव्यू करने के बाद, जो बच्चे CTET के प्रिपरेशन करते हैं तो उनसे मैंने रिव्यू लिया है ना काफी विद्यार्थी का, तो हमको ये देखने के लिए मिला है जो इंग्लिश मीडियम का बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो हिमांशी मैम के साथ थोड़ा ज्यादा लगाव महसूस करते हैं, और जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है इंग्लिश में उनको ज्यादा दिक्कत होती है, तो वो सचिन सर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सर वीडियो लेक्चर में इनका पीपीटी में और क्या है। देखिए दोनों पीपीटी में आपको जो पीपीटी बनाया गया है इस लेक्चर को डिजाइन करने के लिए उसमें काफी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों पीपीटी में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको बोरिंग फील नहीं होगा। दोनों का वीडियो देखेंगे ना तो आपको काफी पिक्चर के बेस पे इस चीज को समझाया गया है, काफी माइंड मैप का यूज किया गया है दोनों में। सचिन सर में भी काफी माइंड मैप और पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, हिमांशी मैम में भी मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों वीडियो में आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। अच्छा पढ़ाने का तरीका क्या है, देखिए बातें तो दोनों आपको अपने ही लैंग्वेज में करते हैं, दोनों आपको हिंदी में समझाएंगे तो कनेक्ट करना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, आप किन्हीं से भी पढ़े। हाँ एग्जाम्पल अगर पूछे कि सर उनका वीडियो में एग्जाम्पल किस बेस पे होता है तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल दोनों के वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों को वीडियो को देख के आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे और सीडीपी में सबसे बड़ा चीज यही है कि अगर आप उस थ्योरी को खुद से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे और आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने दोनों वीडियो देखा है, दोनों वीडियो में आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो उनका पढ़ाने का तरीका है, जो वो एग्जाम्पल यूज करते हैं दोनों टीचर, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है, वो आपसे सीधे कनेक्ट कर जाते हैं। हिमांशी मैम के वीडियो में एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, जो थ्योरी होता है ना उस कई दफा उनका स्टेज याद रखना होता है, कई दफा उनका स्टेज का सीरियल याद रखना होता है, तो वो छोटे छोटे निमोनिक्स यूज करते हैं अपने वीडियो में, तो वो जो निमोनिक्स है ना उससे आपको याद रखना आसान हो जाता है, कोई भी स्टेज हो तो उसका निमोनिक्स आपको वो वीडियो के साथ करवाते जाते हैं, बताते जाते हैं। काफी लंबा एक्सपीरियंस है दोनों टीचर का तो ये इस चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ जगह पे आपको ये सचिन सर भी करते हुए दिखेंगे, वो भी आपको कुछ निमोनिक्स आपको देंगे जो स्टेज वाले प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे हिमांशी मैम थोड़ा ज्यादा निमोनिक्स का यूज करते हैं, हमने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। देखिए कुछ चीजें था जो मैंने आपको बताया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोनों वीडियो को देखने के बाद, उसको आपके साथ शेयर किया। लेकिन आपके मन में अभी भी डाउट है कि किनका वीडियो देखना चाहिए, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे बेहतर ये कर सकते हैं कि दोनों का वीडियो कुछ कुछ देर के लिए देखिए। 10-15 मिनट का वीडियो सचिन सर का देख लीजिए, 10-15 मिनट हिमांशी मैम का वीडियो देख लीजिए उसी मैराथन का, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस में कंफर्टेबल है, किनकी बातों को आप अच्छे से समझ पाते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि आप किसी से भी पढ़िए, अगर आपको उस टीचर का लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो वो आपके लिए बेहतर है। तो आप ये मत देखिए कि कौन सा टीचर फेमस है नहीं है, तो इसके अलावा भी ये दो टीचर का मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी अगर किसी टीचर से आपको पढ़ना है तो आप उनका वीडियो देखिए। इसके अलावा भी ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो है, ढेर सारे चैनल है, मैं सबका नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, काफी चैनल है जिसको मैं जानता हूं, मैंने उनका वीडियो देखा है। तो मेरा कहना यही है कि आपको इस चीज को डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा है कि किनका वीडियो देखे, तो आप थोड़ा टाइम के लिए उनका वीडियो देखिए, 10 मिनट देख लीजिए और 10 मिनट इनका वीडियो देख लीजिए। तो दोनों वीडियो देखने के बाद आपको जिसमें ज्यादा लगाव महसूस हो, आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं, जिससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उनका वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि लैंग्वेज जिनका आपको समझ में आता है, जिनका बातें आपसे कनेक्ट कर जाती है, उनका वीडियो देखिए, आप बोर भी नहीं होगे और अच्छे से समझ भी जाओगे। और ये जो कंफ्यूजन आपके मन में ना कि किनसे पढ़ के 30 out of 30 लाएंगे, तो किन्हीं से भी पढ़िए, पढ़ना आपको है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और प्रीवियस ईयर पेपर आप कंप्लीट करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे, तो सीडीपी में 30 out of 30 ला सकते हो। चाहे आप हिमांशी मैम से पढ़े तब भी 30 out of 30 ला सकते हो, सचिन सर से पढ़िएगा तब भी 30 out of 30 ला सकते हो, इसके अलावा भी किसी टीचर से पढ़ोगे जो कंप्लीट अपना सिलेबस करवा रहे हैं तब भी 30 out of 30 ला सकते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह के और भी डाउट है प्रिपरेशन से संबंधित तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।